मछली पालक किसान भाइयों और बहनों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कई किसान भाइयों ने फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा है कि सिल्वर कार्प मछली के बारे में बताइए। तो आज मैं इस चैनल में सिल्वर कार्प मछली के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। विदेश से लाई गई तीन मछलियों में एक है सिल्वर कार्प। इसका वैज्ञानिक नाम है हाइपोफ्थाल्मिथिस मेलिट्रिक्स। और सिल्वर कार्प इसलिए बोलते हैं कि इसके शरीर पर छोटे छोटे चोटे होते हैं जो चांदी की तरह चमकते हैं, और चांदी को अंग्रेजी में सिल्वर बोला जाता है, इसलिए इसका नाम है सिल्वर कार्प। तो सिल्वर कार्प मछली जो है ग्रास कार्प के बाद बढ़ने वाली, तेज़ी से बढ़ने वाली मछली है, जो साल में 3 किलो की हो जाती है एक साल में, और अधिकतम ये 50 किलो और 1 मीटर 40 सेंटीमीटर तक की रिकॉर्ड की गई है। यह मछली मिश्रित मत्स्य पालन में पालने के लिए बहुत ही अच्छा है। यह सतह भोजी है, यानी कि तालाब के ऊपर के सतह में रहती है, और जो भोजन कतला का है लगभग वही भोजन इसका भी है। प्रारंभ में तो यह प्राणी प्लवक खाती है, परंतु बाद में यह शैवाल और वनस्पति प्लवक फाइटोप्लांकटन खाने लगती है। इसके खाने का दर काफ़ी तेज़ है, ये अपने वजन से 3 गुना खा जाती है। और यदि आपके तालाब में कॉमन कार्प भी है, ये कतला भी है और सिल्वर कार्प भी है, तो यदि भोजन पूरा नहीं रहेगा तो संभव है कि आपका कतला का वृद्धि कम रहे और सिल्वर कार्प ज़्यादा बढ़ जाए तेज़ी से। यह मछली 3 से 4 साल में परिपक्व हो जाती है प्रजनन के लिए, और प्रेरित प्रजनन में लाखों अंडे देती है। इस मछली के खाने के लिए एक इसके मुंह के अंदर में एक फिल्टर होता है, जिससे ये पानी में उपलब्ध प्लवकों को छान करके उनको खाती है। तो खाने के इस बिहेवियर के कारण ये बंसी में बहुत कम पकड़ाती है, क्योंकि बंसी में वही मछलियाँ पकड़ती हैं जो कि उसका जो बेट है वो खाने का प्रयास करें। इसका उस तरह का कोई लक्षण नहीं है। चूँकि सिल्वर कार्प वनस्पति प्लवक शैवाल या एल्गी इनको चाव से खाती है, तो कभी कभी जब तालाब में हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी ज़्यादा हो जाए तो उनको नियंत्रित करने के लिए भी आप सिल्वर कार्प का संचय कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि यदि अचानक हलचल पैदा कर दिया जाए तालाब में, तो यह उछलने लगती है और 10 फीट ऊपर तक उछल जाती है। तो अमेरिका में यह एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, जिसमें कि कॉमन ये सिल्वर कार्प को हलचल पैदा करके पानी में और उछलने पर मजबूर किया जाता है, और फिर बंदूक से उसका शिकार किया जाता है। तो ये एक वहाँ पे एक बाकायदा स्पोर्ट्स ये हो गया है। सिल्वर कार्प के उछलने के कारण इसको फ्लाइंग कार्प भी बोला जाता है। इसके अलावा सिल्वर कार्प में बहुत प्रकार का अमीनो एसिड विटामिन पाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। वृद्धि दर इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको तालाब में आप जरूर संचय करें। 15 से 20% इसकी संख्या रह सकती है। तो सिल्वर कार्प मछली का पालन करें, और इसके संबंध में और कोई जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं प्रयास करूँगा उत्तर देने का। आप लोगों का लगातार मुझे सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने अन्य भी मत्स्य पालक मित्रों को बताइए कि काफ़ी जानकारी वर्धक वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसका वो लोग लाभ उठा सकते हैं। और अच्छा कीजिए, अभी तो मौसम भी बढ़िया हो गया है मछली के संचयन के लिए, तो सभी प्रकार के बीज का संचयन सुनिश्चित करें। धन्यवाद।